डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू ए बायोसेपर्ट्स लॉ या बायोसावर्ट लॉ भी कहते हैं इसे, बायोसेवर्ट्स लॉ की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बायोसेवर्ट लॉ इज बेसिकली लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक लॉ है एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का, तो इट इज़ यूज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए एट ए पॉइंट पर ड्यू टू करंट कैरिंग चार्ज के कारण। तो हम क्या करते हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं किसी पॉइंट पर। ठीक है, ड्यू टू करंट कैरिंग चार्ज के कारण, जैसा हमें और स्टेट एक्सपेरिमेंट में पढ़ाया था। ठीक है, कि किसी वायर में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो उसके अराउंड क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो हम, ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तो इसके अराउंड हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट पी है, सपोज दैट यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड डी वी या बी फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट इधर भी ले सकते हैं। ठीक, तो भेयर आई और एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये पूरा वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, इसमें एक छोटा एलिमेंट लिया हमने डी एल। ठीक है, क्या लिया, ये करंट आई है, तो इसमें से करंट जो फ्लो होगी वो क्या होगी, आई डॉट डी एल। ठीक है, तो आई डॉट डी एल करंट एलिमेंट लिया है हमने। ठीक है, डी एल करंट एलिमेंट लिया है, इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके कारण इस पॉइंट पी पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द प्लेन। ठीक, अब वी कंसीडर ए कंडक्टर, हमने एक कंडक्टर को कंसीडर के रखा है जो है एक्स और वाई। ठीक, और फ्लो हो रही है इसमें करंट आई। ठीक है, तो इट स्टेट दैट, इसने क्या बताया, जो बायोसेवर्ट लॉ था ये क्या कहता है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस ड्यू टू ए स्मॉल कंडक्टर ऑफ लेंथ डी एल। ठीक है, कैरिंग ए करंट आई एट ए पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर इज गिवन। तो डी वी इक्वल हो जाएगा के आई डॉट डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी वी इक्वल के की जगह क्या ले लेंगे, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो डी वी इक्वल म्यू नॉट फोर पाई आई डॉट डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डी वी है जो आएगा इस पॉइंट पी पर। ठीक है, तो करंट एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। करंट एलिमेंट, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो यहाँ करंट एलिमेंट है हमारा आई डॉट डी एल। ठीक है, ये है करंट एलिमेंट डी एल। ठीक है, ये लिया है हमने। तो बायोसेवर्ट फाउंड दैट ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट पी, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड था डी वी। ठीक है, जो किसके कारण आया था, एक ये छोटा सा स्मॉल करंट एलिमेंट, तो डी वी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, करंट के। डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट के, डी एल के। नेक्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो डी वी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी एल। ठीक है, उसको जो लेंथ एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट है उसके, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा, जो ये एंगल बनाता है थीटा। ठीक है, ये डी वी इसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइन के। तो डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। यानी ये फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। कंबाइन कर देंगे इन सभी पॉइंट्स को, हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डी वी इक्वल आई डॉट डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो के होता क्या है, के हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ भी, जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन फोर वाई इक्वल टेन द पावर माइनस सेवन टेस्ला पर एम्पियर, या टेन द पावर माइनस सेवन वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है,
तो म्यू क्या है, म्यू नॉट जो है एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में हम देख रहे थे एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, वो वहाँ क्या था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस था, ये एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो वेक्टर फॉर्म में इसे कैसे ड्राइव कर सकते हैं, डी वी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डॉट डी एल आर आर स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर हमने लगा दिया, ये इसका मतलब ये डायरेक्शन शो कर रहा है, तो यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर कैप अपॉन आर, ये लगा देंगे यहाँ, तो डी बी इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डॉट डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, ठीक है। तो ये आ गया डी बी। तो डायरेक्शन ऑफ डी बी, डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल है, राइट हैंड थंब रूल है और राइट हैंड पाम रूल है, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल भी हम बताएंगे क्या होता है। तो द डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल्स और राइट हैंड पाम रूल से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन को इसकी। जैसे डायरेक्शन को हम, जैसे ये करंट है, करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, और राइट हैंड पाम रूल इस तरह से रखेंगे राइट, तो ये जो हमारा थंब है ये करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है, करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है, और ये जो पाम है इस तरह से, ये पाम, ठीक है, ये इस तरह से रखेंगे, बल्कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रखेंगे, ठीक है। तो इसे कर्ल इधर करेंगे, इस तरह से करंट की डायरेक्शन ये रहेगी, कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन कहाँ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की, इनसाइड, कहाँ जा रही, इनसाइड, तो डायरेक्शन जाएगी इनसाइड, इनसाइड को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, तो डायरेक्शन क्या हो गई, इनवार्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवार्ड। अब कंपेयर विद इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेयर करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यू आर, मैग्नेटिज्म क्या होता है, ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यानी दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को देखा जाए फॉलो करते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए ये है और मैग्नेटिक फील्ड में पॉइंट चार्ज के लिए क्या है, डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर है, ठीक है। तो सिमिलरिटीज क्या हैं, बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स हैं, बोथ फॉलो इनवर्स लॉ, स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, बोथ फॉलो द लॉ ऑफ सुपर पोजिशन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इफेक्टेड बाई मीडियम, दोनों ही मीडियम से इफेक्टेड होते हैं। दोनों में डिससिमिलरिटीज क्या हैं, डिससिमिलरिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, देखो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स इज ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर व्हाइल बी इज नॉर्मल टू द आर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज ए एंगल डिपेंडेंसी बट ई डू नॉट हैव एनी एंगल टर्म। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टेड बाई मीडियम, दोनों मीडियम से इफेक्टेड होते हैं। व्हाट द करेक्टरिस्टिक इज डिफरेंट, दोनों की करेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है। परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इज दैट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम विच विल अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड टू गो, ठीक है। परमीएबिलिटी म्यू नॉट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो ये कुछ सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो हम डिफाइन कर चुके हैं।